देवादिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। एक आदमी अपनी गाड़ी बड़ी तेज गति से ले जा रहा था। रास्ते में एक बच्चे ने उसे हाथ दिया। उसकी माँ बीमार थी, उसे गांव से शहर की ओर ले जाना था अस्पताल के लिए। हाथ दिया, गाड़ी वाले ने उसे नजरअंदाज कर दिया, आगे बढ़ गया। गाड़ी जैसे ही आगे क्रॉस हुई, उसने एक पत्थर उठाया, उसके शीशे को फोड़ दिया। जैसे ही शीशा फोड़ा, गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और पूछा कि भैया आखिर तुमने मेरे शीशे को क्यों फोड़ा? तो उसने कहा, भाई गाड़ी को इतनी तेज मत दौड़ाओ कि किसी को पत्थर उठाना पड़े। गाड़ी को इतनी तेज मत दौड़ाओ कि किसी को पत्थर उठाना पड़े। आज बात एस की है, स्पीड। सब स्पीड में है, बहुत तेज स्पीड में है, सब हर काम फास्ट चाहते हैं। संत कहते हैं गति का जितना महत्व है उससे ज्यादा उसकी दिशा का। गति का जितना महत्व है उससे ज्यादा उस पर नियंत्रण का। आज गति है पर दिशा नहीं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए गति प्रगति का रूप न लेकर प्रतिगति बन रही। लोग उल्टे जा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को सेफ फील नहीं करता। सारी दुनिया चाहती है आगे बढ़े, सक्सेस पाए, लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो सबसे पहली आवश्यकता है अपने जीवन की सुरक्षा और सलामती की, उसकी तरफ ध्यान नहीं। आज एस की बात है,
चार बातें आपसे कहूंगा। सेव, सेफ, सेल्फ और सेट, बड़े सामान्य से शब्द हैं। सेव, सेफ, सेल्फ और सेट। सेव, सेव करने का मतलब बचाओ, बचाव करे किसका? जीवन में अगर अपने आप को ठीक रखना है तो बचाना जरूरी है। किसको बचाए? बर्बादी से बचे, बचाए किसको? सेव टाइम, सेव मनी, सेव एनर्जी और सेव लाइफ। टाइम की सेविंग कीजिए, मनी की सेविंग कीजिए, एनर्जी की सेविंग कीजिए और लाइफ की सेविंग कीजिए। आप टाइम की सेविंग के प्रति कितना ध्यान रखते हैं? आजकल लोग समय के प्रबंधन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। वही आगे बढ़ता है जो समय के मूल्य को समझता है, महत्व को समझता है। हमारे लिए जो समय मिला वो कितना कीमती, इसको जानिए। अपना एक एक क्षण कीमती है। एक सेकेंड का क्या मूल्य है उस व्यक्ति से पूछिए जिनकी ट्रेन छूट गई। एक सेकेंड का क्या मूल्य है उस व्यक्ति से पूछिए जिनको समय पर औषधि नहीं दी गई। हम अपने समय के मूल्य को समझते हैं, महत्व को समझते हैं। सेव करना सीखे, समय को बर्बाद करने से बचे। सेव का उल्टा वेस्ट, हम उसे सुरक्षित करें या बर्बाद करें। टाइम को सेव करते हैं, आप टाइम को वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, सेव करते हैं या वेस्ट करते हैं? कुछ लोग हैं जो सेव करते हैं और कुछ लोग हैं जो वेस्ट करते हैं। जिसे समय का मूल्य पता है वो अपने समय की बचत करते हैं, समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते। और जिनको समय का कोई मूल्य बोध नहीं वो समय को बर्बाद करते हैं। सेव करना सीखिए, समय के महत्व को जानिए। हमें ये जीवन मिला है, थोड़ा सा जीवन मिला है, लेकिन थोड़ा जीवन पाकर यदि हम कुछ अच्छा करें तभी इस जीवन की सार्थकता है। और अच्छा हम तभी कर पाएंगे जब हम एक एक सांस का सही उपयोग करेंगे, एक एक समय का सदुपयोग करेंगे। आपके पास जब बहुत सारे काम होते हैं और समय कम दिखता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं महाराज जी? देखते हैं जरूरी काम कौन सा है, जरूरी काम में अपने समय को लगाते हैं, फालतू के काम से अपना ध्यान हटा लेते हैं। इसी का नाम तो टाइम सेविंग है। टाइम को सेव करने का मतलब ये थोड़ी कहीं स्टोर करके रख दो, जैसे बैंक में अपना अकाउंट बनाते हैं सेविंग अकाउंट खोल करके, वैसे ही टाइम का एक अकाउंट खोल दो, जरूरत पर काम आ जाए। समय को कहीं स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, समय का सदुपयोग ही समय की सेविंग है। समय के अनुरूप काम करो और जो जरूरी है उसमें अपना समय लगाओ, उसमें अपना समय खपाओ। गैर जरूरी कामों से अपने आप को अलग कर लो। दुनिया में जो सफल लोग हैं वे और जो सामान्य लोग हैं वे, सबको वे 24 घंटे ही मिलते हैं। सभी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कोई सफल हो जाता है और कोई असफल रह जाता है। वजह क्या है? सफल वे होते हैं जो प्राप्त समय का सही उपयोग करते हैं, और जो अपने समय को बर्बाद करते हैं सारी जिंदगी विफलता का सामना करते हैं।
समय का सदुपयोग कीजिए। कोई 25वां घंटा कभी नहीं होगा। जो कुछ करना है 24 घंटे में ही करना है, और 24 घंटे में करके अपने टारगेट को पाना है तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रायोरिटी सुनिश्चित करना है, प्रायोरिटीज को फिक्स करना है। प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए, किसको करें, जो मेरे लिए करने योग्य है उसे करें, जो मेरा मूल लक्ष्य है, जो मेरा मूल उद्देश्य है, जो मेरा मकसद है, ध्येय है, उसे मैं करूं, बाकी को छोड़ो। आजकल लोग गैर जरूरी कार्यों में ज्यादा उलझते हैं, जरूरी बातें हाथ से छिटक जाती है। आप जरूरी कामों को पूरा करने का प्रयास कीजिए, और ये तभी संभव होगा जब आपका ध्येय आपके सामने हो। सेव कीजिए, समय का मूल्यांकन करना सीखिए। कुछ लोग होते हैं जो सारा काम शेड्यूल से करते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत सुपर होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका कोई काम टाइम पर नहीं होता। जो समय के पाबंद होते हैं उनका जीवन व्यवस्थित होता है, और जो समय को उपेक्षित कर देते हैं वो बड़े अस्त व्यस्त होते हैं। तो समय के मूल्य को समझिए, टाइम को सेव कीजिए, यानी टाइम को वेस्ट करना बंद कर दीजिए। यदि आपने टाइम को सेव किया आप सेव हो जाएंगे। दूसरी बात, सेव मनी, पैसा को बचाइए। महाराज बहुत अच्छी बात आज आपने की। अभी तक तो हम लोग यही उपदेश सुनते हैं कि पैसा को बचा के मत रखो, जो है सब लगा दो। आज पहली बार आप बोल रहे हैं पैसे को बचाओ। हाँ बोल रहा हूँ, पैसे को बचाओ, मेहनत से पैसा कमाते हो, पैसे को बचाओ। इसका मतलब पैसे को बर्बाद मत करो, अच्छे काम में पैसा लगा, बुरे काम में पैसे को व्यर्थ मत बहाओ। आज लोग हैं जो पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, मेहनत से कमाते हैं लेकिन ऐसे बहाते हैं जिसका कोई अता ही पता नहीं। जिस पैसे से अच्छे काम हो सकते हैं उस पैसे को बर्बाद करना कहां की समझदारी। फालतू के कार्यों में आडंबर करके पैसा बर्बाद करना, लोग लाखों रुपए से लुटा देते हैं, किस काम का। संत कहते हैं पैसे को बचाइए। ध्यान रखो पैसे को कैसे बचाएं, बैंक में रखो, सेविंग अकाउंट खोल दो। यहां जितने सबका सेविंग अकाउंट खुला हुआ होगा, नहीं खुला है तो खोलने की तैयारी होगी। बचा के रखो, सेविंग में डालो। क्यों महाराज, जरूरत पर काम आएगी। ठीक है सेविंग कीजिए, पैसे की सेविंग कीजिए। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, पैसे को बचाना अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, पैसे को बचाना अच्छी बात है, पैसे से किसी और को बचाना और अच्छी बात है। पैसा बचाओ, पर पैसा पाया है तो पैसे से किसी और को बचाओ। औरों को बचाने की बात सीखो, ये पैसे की सेविंग है। तुमने जो बैंकों में पैसा रख रखा है ना, वो सेव है, बोलो आ? नहीं है ना, क्यों, तुम्हें ही सेव नहीं हो तो वो कहां से सेव होगा। चले जाओगे फिर क्या ठिकाना। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बदल गई तो क्या होगा, जिस बैंक में तुमने रुपया दिया वो बैंक ही दिवालिया हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। होती है ना, हाँ कहते हैं होते ही रहते हैं, हर्षद मेहता के टाइम में हुआ, कईयों के टाइम में होता, होता ही रहता है। तुमने जहां रुपया रखा वो सेफ नहीं है। अपने पैसे को सेव करने का मतलब
फालतू के कामों में वेस्ट मत करो और अच्छे कार्यों में उदारता से नियोजित करो। वही पैसा सुरक्षित है जो अच्छे कार्य में लगा है, बाकी तो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। राजा भोज बड़ा उदार था और जो आए दरिया दिली से उसको दान देता था। एक दिन मंत्रियों ने देखा कि राजा अगर इसी तरह दान धर्म करते रहेंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा, पर राजा से सीधे सीधे बोले कैसे, तो क्या किया, एक सूक्त लिख दिया, आपदार्थम सद्धनम रक्षित। राजा भोज के कक्ष के द्वार पर लिख दिया आपदार्थम धनम रक्षित, आपत्ति विपत्ति के लिए पैसा बचाए, पैसे की रक्षा करें। राजा भोज ने देखा तो दूसरे उसके नीचे एक लाइन लिख दी, सताम आपदा कुत, सत्पुरुषों को आपत्ति कहा। आपदार्थम धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करो, उनने नीचे लिख दिया सताम आपदा कुत, सत्पुरुषों को आपत्ति कहा। तो उनने तीसरी लाइन लिखी, देवात क्वचित समय आती। अरे भाई, दुर्भाग्य से महापुरुषों को भी विपत्ति का सामना करना पड़ता है, आ सकती है, क्या पता कब कुछ अघट घट जाए, कोई ऐसा मौका आ जाए, इसलिए पैसा संभाल कर रखो। पहली लाइन आपदार्थम धनम रक्षे, तो उन्होंने जवाब में लिख दिया सताम आपदा कुत, सत्पुरुषों को आपत्ति कहां, लिख दिया देवात क्वचित समय आती। चौथी लाइन राजा भोज ने लिखी जो जीवन का बहुत बड़ा सार बता दिया, उनने लिखा संचिदार्थम विनश्यति, संचित धन एक दिन विनष्ट हो जाता है, वहां उसकी सुरक्षा नहीं है। उसकी सुरक्षा कहां है, अच्छे कार्य करने में, बुरे कार्य में पैसे की बर्बादी कभी मत करो और अच्छे कार्य में पैसा लगाने में कोई संकोच मत करो। मनी की सेविंग इसी में है। दो तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं, एक वे लोग जो पैसे को पानी की तरह बर्बाद करते सुरा और सुंदरी के चक्कर में, और दूसरे वे लोग जो पैसे को तिजोरी में बंद करके रखते हैं, वो सेफ करने के लिए सेफ खोजते हैं। सेफ यानी तिजोरी, दुनिया की किसी तिजोरी में पैसा सेफ नहीं होता, होता है क्या। दोनों अपने जीवन के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं। तो टाइम की सेविंग के बाद मनी की सेविंग, तीसरी बात सेव एनर्जी, एनर्जी की सेविंग करो, अपनी एनर्जी को व्यर्थ मत जाने दो। आज बाहर कहते हैं सेव एनर्जी, सेव पावर, उसका सही यूटिलाइज करो, उसे वेस्ट मत करो। जहां जरूरत नहीं है वहां आप उसका उपयोग मत करो। बिजली उतनी जलाओ जितनी जरूरत है, पंखा उतना ही चलाओ जितनी आवश्यकता है, गैस उतना ही जलाओ जितनी जरूरत है ना। बाहर की एनर्जी वेस्ट ना हो इसका तो ख्याल है, अपनी आत्मा की एनर्जी को सुरक्षित करने का आपको ख्याल है। अपनी आत्मा की ऊर्जा को व्यर्थ मत बहाओ। मालूम है हमारी आत्मा की ऊर्जा व्यर्थ कब होती है, जब हम नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, नकारात्मक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, लड़ने में झगड़ने में एनर्जी वेस्ट होती है। क्रोध कलुषता ईर्ष्या विद्वेष आदि की दुर्भावनाओं से जब हम ग्रसित होते हैं, हमारे मन में घृणा और संताप के भाव आते हैं,
चिंता समाती है, अहंकार आता है, वासना के भाव आते हैं, अन्य प्रकार के विकार आते हैं, उन घड़ियों में हमारी आत्मा की ऊर्जा बर्बाद होती है। अपने आप को नकारात्मकता से बचा लीजिए, एनर्जी की सेविंग होगी, और जब आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी तो आप 24 घंटे एनर्जाइज्ड होंगे। आजकल हर कोई व्यक्ति थका हारा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई जान ही नहीं है, एकदम बेदम जैसा लगता है। खाने पीने के बाद कोई बेजान लगे तो समझ में नहीं आता, किसी को खाना पीना न मिला हो ठीक है भाई बेजान है, लेकिन खाने पीने के बाद भी ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की ऊर्जा को बर्बाद कर दिया, अपना चिंतन अपनी शक्ति को एकदम नकारात्मक दिशा में लगा रखा है। उसे मोड़िए, उसे बदलिए। और आखिरी बात, लाइफ सेविंग, जीवन की सुरक्षा कीजिए। जीवन की सुरक्षा कैसे करोगे? आजकल तो जीवन की सुरक्षा की गारंटी देने वाले बहुत लोग घूमते हैं, इतने जितने भी इंश्योर वाले इंश्योरेंस वाली कंपनी हैं, वो क्या कहते हैं आपको नारा लुभाते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यही है ना मन भावन लुभावना नारा है। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी जो आपकी लाइफ को इंश्योर कर सके? बोलो है कोई भी कंपनी? कोई कंपनी नहीं। हम अपने जीवन को मरने से नहीं बचा सकते, अमर कोई नहीं है, तो फिर महाराज लाइफ सेविंग का मतलब क्या? जीवन को गलत दिशा में जाने से रोकना ही लाइफ की सेविंग है। रॉन्ग डायरेक्शन में मत जाइए, पाप और अनाचार में अपने जीवन को मत लगाइए। जो व्यक्ति फालतू के भोग विलासता में अपना जीवन बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन को वेस्ट करते हैं, और जो त्याग तपस्या साधना का रास्ता अपनाते हैं वे अपने लाइफ को सेव करते हैं। लाइफ की सेविंग करना है तो क्या करो? धर्म से जुड़ जाओ। जिसने धर्म से अपने आप को जोड़ लिया, समझ लेना उसकी जिंदगी सुरक्षित है। यहां भी जीते जी जीवन का रस लेगा, और यहां से जहां जाएगा वहां भी जीवन का रस लेगा, उसको कोई खतरा नहीं। और जिसने धर्म से मुख मोड़ लिया उसे कदम कदम पर खतरा है, वो जहां जाएगा वहां खतरा ही मिलेगा। बचाइए अपने आप, धर्म से नाता जोड़िए। दुनिया की कोई कंपनी तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगी। देखो आप लोग इंश्योरेंस तो कराते ही हो, यहां बैठे जितने सब ने कोई ना कोई पॉलिसी ले रखी होगी, कहीं नहीं है आपकी दूसरी इंश्योरेंस हो गई तगड़ी इन लोगों से अच्छी। इंश्योरेंस कराते हो, दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसी है जिस बात की गारंटी दे कि हम तुमको मरने से बचा लेंगे? बोलो, कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योर्ड है ही नहीं पर है। लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो एक व्यवस्था है, वो इन कंपनियों में नहीं है, समझ के। बाहर के इंश्योरेंस की कंपनियों में तुम जाओगे वो तुम्हारे लाइफ को इंश्योर नहीं करेंगे। अगर अपने लाइफ को इंश्योरेंस कराना है तो भगवान के दरबार में चले जाओ। जिनालय आत्मा का विवाह भवन है, सदगुरु उसके एजेंट है, और धर्म की क्रियाएं उसकी पॉलिसी है। एक भी पॉलिसी को तुमने स्वीकार कर लिया, तुम्हारी जिंदगी इंश्योर्ड है, 100% इंश्योर्ड। अभी बोल रहे थे हमने इंश्योरेंस नहीं कराया,
अरे दूसरी प्रतिमा ले ली, तुमसे अच्छा इंश्योरेंस और किसका होगा? पक्का सीट सुरक्षित, जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं। धर्म से जुड़िए, पाप से बचिए, लाइफ की सेविंग इसमें है। बाहर की प्रवृत्ति में सावधानी रखना, खान पान में संयम रखना, नियमित दिनचर्या रखना, ये भी लाइफ सेविंग का एक बाहरी रूप है। और अपनी आत्मा को अंदर से परिष्कृत कर देना, भाव भवांतरों तक के लिए उसे सुरक्षित कर लेना, ये लाइफ सेविंग है। समझ गए? तो सेव कीजिए। हाँ, आप लोग क्या करते हैं, सेव करने के नाम से सुबह से सेव कर आते हैं। हाँ, वो सेविंग दूसरी है, उस सेविंग की बात नहीं। अपने आप को बचाने का प्रयत्न कीजिए, बचाइए। कब बचाओगे? सेव कर पर कर पाओगे जब सेव को ठीक ढंग से समझोगे। सेव की स्पेलिंग क्या है? SAVE माने S यानी सोर्स खोजो। इसका सोर्स क्या है, इसका मूल क्या है, इसकी जड़ क्या है? A अवेयर रहो या उसके प्रति एक्टिव हो जाओ जो सोर्स है उसको पाने के लिए। वी उसकी वैल्यू समझो, और ई एंश्योर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे जीवन में सेव हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेव दूसरा है, सेल्फ है। सेल्फ मतलब अपना। सेव करने के बाद सेल्फ स्वयं को, खुद को ठीक ढंग से समझो। जीवन में सक्सेस चाहते हो तो चार सेल्फ हो। नंबर वन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जीवन में आगे बढ़ने का ये कीमिया है। आत्मविश्वास से लवरेज रहो, तुम कभी अनसेफ नहीं होगे। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो बड़े डावाडोल और भयातुर होते हैं। उनको हर पल असुरक्षा का भान होता है, वे असहज से अनुभव करने लगते हैं, कदम कदम पर अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, उनके अंदर का उत्साह ही खत्म हो जाता है। संत कहते नहीं, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास को जगाने के दो फायदे हैं। पहला लाभ तो कुछ भी करने की उमंग और चाह बढ़ती है, स्वयं पर भरोसा बढ़ता है। और दूसरी बात, आत्मा का विश्वास हो जाने से मन का सारा भय दूर हो जाता है। आत्मविश्वास मनुष्य को साहसी भी बनाता है, और आत्मविश्वास से मनुष्य संयमी भी बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन बातों की बहुत अधिक आवश्यकता है। कुछ भी हो, अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोना। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना करके चलिए, उसे किसी भी तरीके से डगमगाने मत दीजिए। नहीं, ये काम है, मैं कर लूंगा, इतना विश्वास, मैं आता हूं प्रवचन करता हूं, किसके बदौलत करता हूं? कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ ठीक है, मैं जिस विषय को छूंगा उसको प्रतिपादित कर दूंगा, और यदि मेरे मन में संशय आ जाए, दुविधा आ जाए, अरे भाई इस विषय को मैंने छुआ है, निर्वाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको ठीक ढंग से एलिब्रेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं बात अटक ना जाए, तो कुछ ही नहीं कर पाएंगे। संशय आत्मा विनश्यति,
जो संशय से भरे रहते हैं, जो डाउट में उलझे रहते हैं, वो जिंदगी भर डोलते रहते हैं, उनका विनाश होता है। काम करना है तो कर रहा है बढ़ जाओ। हमारे यहां सम्यक दर्शन का पहला अंग है निशंकित अंग, जो कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए, आत्मा का विश्वास अपने हृदय में जगना चाहिए, आगे तभी बढ़ पाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं होने देना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें? सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का पहला उपाय है सकारात्मक सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जितना आप सकारात्मक सोचेंगे आपके कॉन्फिडेंस का लेवल उतना स्ट्रांग होगा। नकारात्मक सोचेंगे कॉन्फिडेंस डाउन होगा। पहली बात सकारात्मक सोचिए, दूसरी बात श्रद्धालु बनिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए। मन डगमगाने लगे आंख बंद करके उनको याद कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाएगा, काम हो जाएगा, तब आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जागेगी। कई लोग होते हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते, और कई लोग ऐसे होते हैं निर्णय लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, डिसीजन लिया आगे नहीं बढ़ पाते, डोलते रहते। कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आएगा। सकारात्मक सोचिए, श्रद्धालु बनिए, नकारात्मक लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है तो ऐसे लोगों के संपर्क में मत रहिए जो आपको हतोत्साहित करते हों। ऐसे लोगों से अपना वास्ता रखिए जो आपको उत्साहित करे, एनकरेज करे। समझ गए? एनकरेज करे, आगे बढ़ाए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप कुछ कर पाएंगे। तो पहली बात सकारात्मक सोचिए, दूसरी बात श्रद्धालु बनिए, तीसरी बात नकारात्मक सोच वाले लोगों से सुरक्षित दूरी रखिए, और चौथी बात स्पिरिचुअल थिंकिंग बनाइए, अध्यात्म निष्ठ हो जाइए, आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। देखो सेल्फ वर्ड को भी देख लो, पहले सेल्फ की स्पेलिंग क्या है? एस ई एल एफ, बहुत गहरा अर्थ। एस स्ट्रांग बनो, ई एनकरेज करो, एल लव करो, और एफ फॉलो करो। स्ट्रांग बनो, एनकरेज करो, लव करो, फॉलो करो, सेल्फ हो गया, फिर कुछ कहीं नहीं, कहीं फेल नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो पहली बात सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरी बात सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण। हर पल अपना आत्म विश्लेषण करो, अंतर विश्लेषण करो, अपने भीतर झांक कर देखो मेरे अंदर क्या खूबी और क्या खामियां हैं, खूबियों को पुष्ट करो और खामियों का शोधन करो। आप करते हैं सेल्फ एनालिसिस? एनालिसिस तो करते हैं पर औरों का, खुद का नहीं। किसी दूसरे के बारे में बोलो पूरा पोस्टमार्टम करके रख दोगे, पूरी जन्म पत्री खोल दोगे, वो ऐसा है वैसा। अरे भैया खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहां हो, तुम कैसे हो, वो तो देखो। अपना अंतर विश्लेषण तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, जीवन को उत्साहित करेगा, तुम कुछ अच्छा कर सकोगे, अच्छा घटित कर सकोगे। अपना अंतर विश्लेषण बहुत कम लोग करते हैं,
मैं आपको बताता हूं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो रोज शाम होने के पहले या सोने से पहले आंख मूंदिए, दिन भर के क्रियाकलापों को ध्यान में लाइए, अपने विचारों को रिकॉल कीजिए और उनको एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि मैंने सुबह से अब तक जो कुछ भी किया उसमें क्या सही किया क्या गलत किया। जो सही किया उसको सेव कर लीजिए और जो गलत किया उसको दूर कीजिए, साइड करना शुरू कीजिए। अब कभी ऐसी बात आएगी, ऐसा मौका आएगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा सोचने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए, ये आपको परिपक्व बनाएगा। इससे जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कभी आप आत्म समीक्षा करते हो, अपना अंतर विश्लेषण करते हो, प्रवृत्ति की भी करो और स्वरूप का भी करो। प्रवृत्ति को करने से प्रवृत्ति नियंत्रित होती है और स्वरूप का आप अंतर विश्लेषण करोगे तो स्वरूप निमग्नता बढ़ेगी, स्वभाव के प्रति तुम्हारा लगाव होगा, विकारों का शमन करने में समर्थ हो जाओगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एनालिसिस सूत्रों में काम चलेगा कि और व्याख्या करूं? चारों बात पूरी करनी है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म नियंत्रण। कहां करना है सेल्फ कंट्रोल? जब कोई नकारात्मक प्रसंग आए, आत्म नियंत्रण रखो। गुस्सा आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल। अभिमान उमड़ रहा है, सेल्फ कंट्रोल। वासना का विकार छा रहा है, सेल्फ कंट्रोल। लालच और लिप्सा बढ़ रही है, सेल्फ कंट्रोल। किसी के प्रति कोई दुर्भाव आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल करना सीखिए। अपने आप पर अपना नियंत्रण। बोलो, कभी कोई गुस्सा का मौका आए, उस घड़ी में अपने आप पर नियंत्रण करने की क्षमता तुम्हारे पास है? बोलो, हाँ। गुस्सा का मौका आया, गुस्सा का मौका कब आता है ये और बता दो। जब सामने वाला मन के विरुद्ध बोलता है तब गुस्सा आता है, तो उस समय अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो कि नहीं, कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर सकते हो। हाँ, मुश्किल है। एक बार मैंने इससे पूछा कि गुस्सा का मौका है तो गुस्सा कंट्रोल करते? बोले, नहीं होता महाराज, मेरे लिए तो असंभव है। हमने कहा ठीक कहते हो। हमने कहा तुम जिस कंपनी में काम करते हो, तुम्हारे बॉस ने कभी तुम्हें झाड़ पिलाई? बोले, पिलाई महाराज, अक्सर पिलाता है। जब झाड़ पिलाता है तो क्या तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आता है? नहीं महाराज, अंदर से गुस्सा आता है। तो हमने कहा क्या करते हो जब गुस्सा आता है तो तुम अपने बॉस पर बरस जाते हो? बोले, महाराज ऐसा पागलपन थोड़ी करेंगे, क्या करेंगे? बोले, कंट्रोल करते हैं। बोले, ये कंट्रोल क्या है? यही तो सेल्फ कंट्रोल है। बॉस के सामने सेल्फ कंट्रोल है, बीबी के सामने क्यों नहीं? अगर तुम बॉस के सामने अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हो तो बीबी के सामने भी नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अगर दुकान और दफ्तर में तुम अपने आप को नियंत्रित रख सकते हो तो घर परिवार में भी नियंत्रण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहां खो जाते हैं, कहां खो जाते हैं? यहां हमारा संयम क्यों चला जाता है? इसको हमें डेवलप करना है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कई बार ऐसी स्थितियां आती है, हृदय में भावों का उफान आ रहा है, फिर भी उनको रोकना पड़ता है, एक्सप्रेस
एक्सप्रेस नहीं होने देना, नियंत्रित रखना। आप देखो जितने भी कॉल सेंटर में लोग बैठे रहते हैं, प्रायः महिलाओं को बिठाया जाता है ना, और लोग बोलते हैं महाराज कॉल सेंटर में जिनको बिठाया जाता है उनको पहली ट्रेनिंग ये दी जाती है सेल्फ कंट्रोल की, सामने वाला कैसा भी बोले, कितना भी चीखे चिल्लाए गाली दे तो भी उसको मुस्कुराते हुए जवाब दो, होता है बोलो, होता है। एक ऐसी लेडी मेरे से जुड़ी, वो एयर होस्टेस थी, और एयर होस्टेस को आप लोग जानते हैं देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो कैसी जीवन की विडंबना है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो एकदम ठीक वैसी जैसी रिक्वायरमेंट, और पति पत्नी में रोज की तनातनी, पति के सामने आग उगले। एक दिन पति ने कहा महाराज पूरे दिन भर की ड्यूटी पीरियड का जितना भी इसका फ्रस्ट्रेशन होता उसकी पूरी भड़ास मेरे ही ऊपर निकालती, इसको बोलो कि जब सबके साथ ऐसा है तो मेरे साथ क्यों नहीं। बोले नौकरी के छूटने का डर है, तुम्हारे छूटने का डर नहीं है। नौकरी के छूट जाने का डर है, तुम्हारे छूटने का डर नहीं। ये तो ठीक है, पक्का एग्रीमेंट। कहां कमजोर पड़ जाता है मन, कहां कमजोर हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल की क्षमता को अपने अंदर डेवलप कीजिए, आगे बढ़िएगा। नंबर चार, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए, आत्मतुष्टि। तुम जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि अर्जित कर लो। अगर तुम्हारे पास आत्मसंतुष्टि है तब तो ठीक, अगर आत्मसंतुष्टि नहीं है तो आत्मसंतोष के अभाव में दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी फीकी है। आप पूछ, अपने मन से पूछो, तुम जो कुछ कर रहे हो दुनिया तुम्हारी गीत गा रही है, दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, पर तुम्हारा मन उससे प्रसन्न है कि नहीं, मन उससे संतुष्ट है कि नहीं, इस पर गहराई से विचार करो। कई बार लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि सब कुछ होने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं है, सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं रहते लोग। ऐसे लोग मृत तृष्णा में दौड़ते हैं, सारी जिंदगी दौड़ भाग बनी रहती है, उपलब्धि कुछ भी नहीं होती। तो कहते हैं नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ एनालिसिस, चारों को ध्यान में रखिए। यदि ये चारों सेल्फ से जुड़ गए तो फिर सेफ है, फिर आप सुरक्षित, आपकी सक्सेस निश्चित, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कहीं कोई खतरा है बोलो, अपने आप आगे बढ़ोगे। देखो कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है तो उसका क्या परिणाम आता है। एक राजा था, पर चक्र के अचानक आक्रमण से उसका राज्य खो गया। उसके पास सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भर बची, वो अपनी सेना के साथ जंगलों में भागा। जंगल में उसे एक संत के दर्शन हो गए, उसने अपनी व्यथा उन संत के चरणों में प्रकट की और उनसे अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए कहा कि अब बताइए मैं अपना राज्य पा पाऊंगा कि नहीं। संत ने अपने झोले से एक सिक्का निकाला और कहा मेरे पास ये करिश्माई सिक्का है, इसको मैं उछालता हूं, तुम हेड या टेल बोलो, अगर तुम्हारे पक्ष में आ गया तो फैसला पक्का। उसने सिक्का उछाला, उसने हेड बोला, नीचे गिरा, हेड आया, हेड आया। उसने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद।
तुम्हारी विजय सुनिश्चित। उसने अपनी सेना को वापस संगठित किया। विरोधी राजा की तुलना में उसकी सेना बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन उसके अंदर का उत्साह और उमंग अपार था। पूर्ण उत्साह के साथ उसने युद्ध किया। युद्ध में उसको विजय मिल गई, जीता, अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया, शत्रु राजा को उसने पराभूत कर लिया, बंदी बना लिया। जब वापस राज्य पाया तो उन संत के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करने के मनोभाव से उनके पास पुनः पहुंचा और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने ये साम्राज्य पा लिया। गुरु ने कहा, भाई इसमें मेरी क्या कृपा, ये तो तुम्हारे खुद के पुरुषार्थ का फल था। नहीं गुरुदेव, जो कुछ भी हुआ उस सिक्के के कारण हुआ, आपके जादुई सिक्के ने हमें विजय दिलाई, जीत दिलाई। नहीं भाई ये सब तो नहीं, आप कितना भी कहो, मैं तो ये आपकी ही कृपा मानता हूं। ठीक, गुरु ने कहा एक बार हाथ बढ़ाओ। उसने हाथ बढ़ाया, उनने झोले से सिक्के को निकाला, देखा तो हेड था, बोले इसको पलटो, उसमें भी हेड था। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड था। बोला देख इसमें मेरा कोई करिश्मा नहीं, मैंने सिक्का उछाला, उसके दोनों तरफ हेड था, तूने हेड बोला, हेड ही आना था, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे कॉन्फिडेंस को जगा दिया और तू कॉन्फिडेंस को जगा लिया, खोया हुआ साम्राज्य पा लिया। बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, अपने जेब में एक ऐसा सिक्का रखिए जिसके दोनों तरफ हेड हो, टेल कहीं हो ही नहीं, हो टेल कहीं रहे ही नहीं, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाएंगे, जीवन में कभी विफल नहीं हो पाएंगे। तो सेफ सेल्फ सेफ, इतना सब कुछ होगा तो आप सेफ हो जाएंगे। सेफ हो जाएंगे यानी आपको फिर कहीं किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सेफ मतलब सिक्योर्ड, एस पूरी तरह से सुरक्षित, अब आपको कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ नहीं सकती। ए आप अवेयर बने रहोगे, एफ जो मिलेगा उसको फुलफिल करने में समर्थ हो जाओगे, और ई 24 घंटे अपने काम में एंगेज रहोगे, कभी तुम अपने आप को अनसेफ फील नहीं कर पाओगे। सिक्योर रहो, अवेयर रहो, जो सामने आए उसको फुलफिल करो, अपने काम में एंगेज हो जाओ, एकदम सेफ हो। सोचो ही नहीं, अपने आप को इनसिक्योर मानोगे, फियर फीलिंग होगी, हर पल अपने आप को सिक्योर समझो, ये समझो मेरी आत्मा का तो कुछ बिगाड़ सुधार हो ही नहीं सकता, मेरे ऊपर कौन हमला करेगा, मेरा कौन बिगाड़ करेगा, मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा, जो मेरा स्वरूप हो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, और बाहर के जो संयोग हो मेरे हाथ में नहीं है, सामने वाले के हाथ में भी नहीं है, वो मेरे कर्मों के हाथ में है। जब तक कर्म मेरे अनुकूल होंगे दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती, और कर्म अगर प्रतिकूल हो जाए तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। इसलिए हम किसके सेफ की बात करें, सब अपने आप में सेफ है, अनसेफ तो कुछ है ही नहीं। ये तीन बातें हो गई तो जिंदगी सेट हो गई, सेट यानी बिल्कुल फिट, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने जीवन में इन तीन बातों को जोड़ करके चलो, ये सेट हो गया अपना, तुम्हारा जीवन सेट, और जिसका जीवन सेट वो हर पल आनंद, वो कभी अपसेट होगा ही नहीं। आप लोग अपसेट ज़्यादा हो जाते हैं, सेट रहिए, फिर किसी से सेटिंग बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप को इनमें पूरी तरह सेट कर लीजिए तो जीवन अपने आप ठीक बन जाएगा। लेकिन क्या करें, अपसेट नहीं होते, आपका माइंडसेट तुरंत बिगड़ जाता है, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए ऊपर की तीन बातों को ध्यान में रख करके चलिए, और अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चलिए, आगे बढ़ाते चलिए, आगे बढ़ाते चलिए। यदि आप ऐसे आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे
निश्चयतः जीवन में परम उपलब्धियों को अर्जित कर पाएंगे, जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। यही हमारे जीवन को क्रम से आगे बढ़ाने के स्टेप हैं। एक एडिशनल बात बोलना, स्टेप, स्टेप यानी कदम, सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चलो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलो। सक्सेस पाना चाहते हो, स्टेप दर स्टेप चलो। तो ये स्टेप क्या है? स्टेप दर स्टेप अगर अपने आप को चढ़ाना है, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इसे एक स्टेप मानो। और स्टेप क्या है? स्टेप की स्पेलिंग क्या है? STEP है ना, STEP। जब भी आप किसी काम में आगे बढ़े तो S है ना, जो भी S है इसे मानो, ये श्योर है। क्या मानो? श्योर है, पक्का है। दिमाग से संशय हटा दो, फिर टी ट्राई करना शुरू कर दो, कोशिश करो। पहले श्योर मानो, फिर ट्राई करो, समझ गए? फिर ई उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, अब पी परफेक्ट बन जाओ, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, परफेक्ट हो जाओगे। फिर पूरा तुम्हारा परफॉर्मेंस कहीं से गड़बड़ाएगा नहीं। पहले श्योर हो, ट्राई करो, उसमें आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, या उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करो, उसकी और वृद्धि करो, परफेक्ट हो जाओगे। यही स्टेप है जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने आप को ऊंचा उठाने का। हम स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ें, अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, तभी हम अपने जीवन को सक्सेस तक पहुंचा सकेंगे, जीवन को सार्थक बना सकेंगे, सफल बना सकेंगे। इतना ही कहकर आज विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी।